हाँ, चूंकि सूरज ये महिला है और ऐसे में महिलाओं के लिए झारखंड में तमाम योजनाओं की बातें की जा रही थी, लेकिन अगर आपके साथ महिला जुड़ गई है तो महिला से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन योजनाओं को लेकर लगातार झारखंड में सरकार दावे कर रही थी, चाहे कल्पना सोरेन हो गई या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद लगातार महिलाओं की योजनाओं को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन महिलाओं तक योजनाएं पहुंची है, जिन महिलाओं की योजनाओं को लेकर वह लगातार साधने की वोट बैंक कोशिश कर रही थी, ऐसे में सवाल यह है कि महिलाओं तक क्या ये योजनाएं पहुंच पाई है? सूरज, देखिए बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से जो मैया समान योजना चलाई जा रही है या फिर आवास योजनाओं की बात कर ले, कुछ और महिला उनसे बात करते हैं, मैया समान योजना जो राज्य सरकार चला रही है ये कितनी लाभदायक है? जो बेनिफिट सरकार देती है उसको लोगों जो एलिजिबल हैं वो ले सकते हैं और उनका लाभ उठाना चाहिए उनको। ये सरकार की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल कैसा रहा है हेमंत सोरेन की? ठीक ही रहा है, योजनाएं जो योजनाएं इत्यादि निकाल रहे हैं वो लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे, बहुतों को तो अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में, अगर अवेयर होंगे तो उसका लाभ उठा पाएंगे और उनको उठाना भी चाहिए। ये सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ कैसा मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ वोट देने आए हैं तो ये सब प्रचार उचार अभी नहीं होना चाहिए। प्रचार मतलब किस तरह का? यही हुआ, प्रचार हुआ। सरकार कैसा काम की है? सरकार कैसा काम की है? सरकार जो की है सबको दिख ही रहा है, उसे क्या देखना। मुद्दा क्या रहेगा वोट करने का? मुद्दा कुछ वोट देना है बस। ठीक है सूरज, आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी जुड़े हुए हैं।